हेलो दोस्तों, तो हम आ गए हैं आज प्रयागराज संगम के तट पर, जहाँ पर बना है अकबर का सबसे बड़ा किला। जी हाँ, ये अकबर का बनवाया हुआ सबसे बड़ा किला है। ये 30,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। इसको बनवाने में लगभग 45 साल लगे थे और इसमें जो लागत लगी थी वो थी 6,17,20,214 रुपये, जो आज के समय पर अरबों में है। अब यह किला इंडियन आर्मी का एक कैंप है, आर्मी के कब्जे में है, लेकिन इसके कुछ हिस्से जो हैं वो आम आदमी के लिए खुले होते हैं। लोग यहाँ पर घूमने आ सकते हैं, वो भी टिकट फ्री, कोई टिकट नहीं लगता है। इस किले का सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ का अक्षय वट वृक्ष, जो 4 युगों से है, बहुत ही पुराना है, हजारों साल पुराना है। लोग उनके दर्शन की पूजा के लिए आते हैं। ये हैं वो प्राचीन अक्षयवट वृक्ष। अक्षयवट यानी जो अमर है, ये बहुत ही पुराना है, हजारों साल पुराना है। इसकी जड़ें बहुत नीचे जाती हैं, लोग नीचे जाकर दर्शन करते हैं। वहाँ कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। कितने पुराने हैं ये वृक्ष? ये 4 युग का वट है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 4 युग में ब्रह्मा जी सेना कर रहे थे, इसी पत्ते पे श्री हरि विष्णु बाल मुकुंद जी सहन कर रहे थे। अच्छा, इसको देखने वाले महर्षि मारकंड जी थे। ओके। त्रेता में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी इसी बट के पूजा पाठ के विश्राम किए। फिर चित्रकूट गए, चित्रकूट के पश्चात अपने पिता दशरथ जी का पहला पिंडदान इसी बट के नीचे पाला और दूसरा काशी और तीसरा गया। तब राजा दशरथ जी बैकुंठ गए। द्वापर में कृष्ण जी आए, 5 पांडव ज्ञातवास में, यहाँ कुछ दिन विश्राम किए, कुछ दिन छिप करे। अच्छा। कलयुग में हम आप आके दर्शन करते, जो भी मांगते हैं हृदय से देने वाली ही है। देवी देवता भगवान से मनोकामना, हम आप तो मनुष्य हैं, भागमान हैं कि अक्षवड़ी के दर्शन करने आए हैं। बहुत चरण छोड़िए, जय हो कल्याण, गंगा मैया जय करें, कल्याण करें, सदा जय जयकारो कल्याण हो। जैसे अक्षवड़ी है, जो आपको श्रद्धा भक्ति हो, बाबा के दरबार में आए हो, अक्षवड़ के नीचे दर्शन करते हैं, आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। एक बार परिक्रमा करने का ही महत्तम होता है, पूरा खूब। तो सुना आपने, ये वटवृक्ष रामायण महाभारत सबसे जुड़ा हुआ है। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता भी आए थे, पांडव भी आए थे, और ये है पाताल जहाँ इसकी जड़ें जाती हैं, जहाँ पर लोग जाके पूजा करते हैं। तो इनका हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है, हिंदू लोग इन पर बहुत आस्था रखते हैं, इन्हें देवता मानते हैं, ये पूजा करते हैं। और अगर शायद औरंगजेब ने ये किला नहीं बनवाया होता, इनको किले के अंदर नहीं रखता, तो शायद औरंगजेब इनको भी कटवा दिया होता। इसके इतिहास के बारे में भी यहाँ लिखा है, 644 ईस्वी में चीनी यात्री हेनसांग यहाँ पर आया था। उसने लिखा है कि ये वृक्ष एक ऊंचे टीले पर था और इसके आसपास बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ थीं। तो दोस्तों, अपना ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।